देखिए जिस तरह का यहाँ जो हमारे बांदे गांव में जो जमीन की जो अधिग्रहण जो की गई है, जिसमें हमारे बांदे गांव के लोगों ने इसको पुरखा जो थे लीज में दिए थे कृषि फार्म के नाम से, लेकिन उसके बाद सरकार ने किसानों को वापस नहीं किया, जो कि मुरु अंचल ने जो बिहार सरकार के जो कार्यकाल में जो बिहार थे उस समय पंजी टू में चढ़ा लिया है। और उसके बाद किसानों को जो उनकी जो जमीन की जो जो रसीद है वो नहीं काटा जा रहा। तो यहाँ के किसान ने इससे पूर्व हमारे जिला था रांची, उस समय डीसी महोदय को कंप्लेन दिया और डीसी महोदय के माध्यम से ये जांच का कमेटी गठन किया गया। और उसमें जो अध्यक्ष थे आपका एसडीओ साहब थे, और एसडीओ साहब के माध्यम से मुरु अंचल में जांच पड़ताल किए, जिसमें मुरु अंचल में जमीन अधिग्रहण से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दे पाया, यानी कि नहीं मिला। तो इससे सीधा सीधी ये साबित होता है कि सही मायने में ये जमीन जो है अधिग्रहण नहीं किया गया है, या अफसर लोग की दादागिरी या दबंगई में कहेंगे। क्या करना है? तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो न्याय का रास्ता है, जो कानून सहमत जो लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे आदिवासी समाज और जो हमारे जो रैयत है, जो जमीन के मालिक हैं, उनका कहना है कि हम लोग अपने जमीन के लिए हम लोग चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहीं भी जाएंगे, और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसानों को अपनी जमीन निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू। ये सनिका जी हैं, हमारे राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक स्तर पर जहाँ भी जैसे भी इस तरह से मामला आता है ये वहाँ पहुँचते हैं और लोगों के बीच जो है अपनी बातों को रखते हैं, लोगों में जो है और उस काम में भी मिलकर सहयोग करते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झारनी न्यूज़।